पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। जहां एक ओर पूरी दुनिया 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे मनाती है, वहीं भारत इसे एक काले दिन की तरह शोक मनाता है। इस दिन को भारत ने ब्लैक डे घोषित कर दिया है। 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा CRPF के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में CRPF के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। CRPF के काफिले में 78 बसें थीं। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस काफिले में CRPF के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाकिस्तान से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने की, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन दिया था। वहीं जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायुसेना इलाके में लाया गया था, जहां तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद थे। शहीदों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हमले के बाद 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। उन्होंने कहा था कि सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा और सशस्त्र बलों को दुश्मन के खिलाफ प्रतिशोध की जगह समय को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार करके बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा घोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल को दी थी। इसके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे पुलवामा अटैक के ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।